नहीं थम रहा है अप डाउन का सिलसिला। कलेक्टर के आदेश पर अधिकारी दिखा रहे हवा। देवास लॉकडाउन व जनता कर्फ्यू के बाद दिए गए मुख्यमंत्री व कलेक्टर के निर्देश के बावजूद थम नहीं रहा इंदौर में अप डाउन का सिलसिला। बैंक कर्मचारी, हॉस्पिटल स्टाफ कर्मचारी, कलेक्ट्रेट कर्मचारी व अन्य विभाग के अधिकारी अभी भी कर रहे हैं इंदौर से उज्जैन अप डाउन। देवास कलेक्टर के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन की टीम ने रसूलपुर बाईपास चौराहे पर बढ़ाई सख्ती। देवास में कोरोना बीमारी के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं गुरुवार को यह संख्या 21 तक पहुंच गई, जिसका मुख्य कारण इंदौर व उज्जैन से अप डाउन कर रहे लोगों के कारण भी बोला जा सकता है। मुख्यमंत्री व कलेक्टर के निर्देश के बाद भी देवास में शासकीय दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी इनके आदेश की धज्जियां उड़ाते देखे गए। देवास से हमारे संवाददाता जुड़ रहे अमित बागलीकर। अमित जी बताइए, क्यों नहीं थम रहा अपडाउन का सिलसिला देवास में? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि देवास में जिस तरह से पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ते चल रही है, आज तक संख्या 21 हो गई और 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उसके बाद भी देवास से इंदौर और उज्जैन जाने वाले आने जाने जो लोगों का सिलसिला अभी तक थम नहीं रहा, इसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं कलेक्टर की भी ढील पोल बोली जा सकती है। क्या देवास में कलेक्टर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल, तुम्हें बताना चाहूंगा देवास में शायद कलेक्टर का इस ओर ध्यान नहीं, क्योंकि आए दिन लोगों का आना जाना और इंदौर में इस तरह से कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ना, उसके बाद उनका देवास में प्रवेश करना, क्योंकि आपको दर्शकों को बताना चाहूंगा कैनन न्यूज के कि पूर्व में जब जिस तरह से एक डेड बॉडी देवास में आई थी, उसके बाद देवास में कोरोना पॉजिटिव की संख्या का बढ़ने का सिलसिला चालू हुआ है। कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील पोल इसमें उजागर हो रही है। जी, अब बड़ा सवाल ये है कि देवास में 21 पॉजिटिव और अभी तक 6 लोगों की मृत्यु के बाद भी कैसे हो रहा है इंदौर और उज्जैन से आना जाना? बिल्कुल, आज हम लोग जब लाइव खबर में थे, कैनन की टीम, पूरी टीम देवास टीम जो लाइव पे थी, उन्होंने रसलपुर बाईपास पर ये देखा कि कलेक्टर के स्टैंड बोल लो या शासकीय कर्मचारी बोल लो, दवाखाने के डॉक्टर बोल लो या स्टाफ बोल लो, अन्य विभाग भी बोल रहे, उनका इंदौर से बेखौफ आना जाना रहता है। जिसके बाद पत्रकारों के कहने पर औद्योगिक थाने के टीआई द्वारा इस ओर ध्यान दिया गया और लोगों का चेकअप कराकर जिनको काम था उन्हें आने दिया गया, बाकी लोगों को जाने दिया गया। जी जी जी, जवाबदारों का क्या कहना है इस अमित जी अप डाउन के आने जाने पर? इस और इस विषय में हमने आज कलेक्टर से बात करने की कोशिश की गई, पर चूंकि कलेक्टर का फोन बंद था, उसके बाद भी हमने उद्योग थाने के टीए से बात करी, प्रतीक्षा राठौर से, उन्होंने कहा था कि हम आए दिन चेकिंग कर रहे हैं, पर चेकिंग आज जिस तरह से हमारे सामने इनका कार्रवाई डेल पोल दिखी, उस तरह से कहा जा सकता है कि प्रशासन भी इस ओर शायद निष्क्रिय है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। औद्योगिक थाना प्रभारी प्रतीक्षा राठौर की मौजूदगी में सीमा पर वाहन चेकिंग की जा रही थी, जिसके चलते कलेक्टर बंद दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारी वहां पर अप डाउन करते देखे गए, पुलिस द्वारा रोका भी गया। ये जो आज इंदौर से लॉकडाउन को लेकर गाड़ी वाले रोक रहे हैं, देवास से इंदौर जा रहे हैं, इंदौर से देवास नहीं आ रहे हैं, क्या है? ये लॉकडाउन में ये बॉर्डर जो है, इंदौर देवास वाली बॉर्डर, ये पूरी तरीके से सील करने के आदेश माननीय सीएम महोदय के हैं। कोई भी बिना वजह अप डाउन नहीं करेगा, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो या किसी पुलिस स्टाफ का या प्रशासन के ही क्यों ना हो। आदेश है, सख्त आदेश है कि यहाँ से किसी को भी अप डाउन नहीं करने देना है। इसी वजह से पूरा स्टाफ लगा और सबको रोका जाए। मैडम एक बात आ रही है, परियोजना के जो ड्राइवर थे वो इंदौर मैडम को लेने जा रहे थे, तो क्या हुआ? यहाँ पर जितने भी अधिकारी लोग भी अप डाउन कर रहे हैं, ऊपर से आदेश है कि उन्हें भी अप डाउन नहीं करके यहीं पर रहने की व्यवस्था करनी है। इसी वजह से एक गाड़ी जरूर आई थी किसी जिला परियोजना अधिकारी की थी, कोई ड्राइवर उन्हें लेने दौर जा रहे थे, हमने उन्हें वापस कर दिया और उन्हें बता दिया कि कलेक्टर महोदय के आदेश है कि कोई अधिकारी भी अप डाउन नहीं करे।